तो दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे WWE 2K18 में माई प्लेयर का करियर मोड और ये उसका एपिसोड नंबर 14 है। और भाई जिसने अभी तक एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 13 तक नहीं देखा तो भाई सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से एक एक करके चेकआउट कर सकते हो सारे एपिसोड्स। और भाई जिसने अभी तक यहां तक देख लिया है तो उनको पता होगा कि क्या चल रहा है, पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि 13 एपिसोड खेलने के बाद भाई ये 2K18 ने बहुत रुलाया। 13 एपिसोड से हम लोग WWE या फिर यूनिवर्सल टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं और अब जाके भाई रॉकी को यानी कि जो मेरा कैरेक्टर है 2K18 में उसको मिलने वाला है WWE चैंपियनशिप का मैच। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ भाई, सिर्फ 2 हफ्ते बच गए हैं रेसलमेनिया के लिए और AJ स्टाइल से पंगा चल रहा है, तो चलिए इसको जल्दी से पार करते हैं। और मैंने अपना लुक चेंज कर लिया, फिनिशर सिग्नेचर सब कुछ चेंज कर लिया भाई, ये देख सकते हो आप, रॉकी की टी शर्ट पे मैंने रॉकी लिख दिया है, दूसरे हाथ पे भी टैटू आ चुका है, आप देख सकते हो भाई पूरी तरह से मैं तैयार हूँ रेसलमेनिया में जाने के लिए। और नया WWE पहली बार यार करियर मोड में चैंपियन बने यार, वो भी WWE, इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बन चुके हैं और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था तो वो आपको याद होगा कि मिस्टर मैकमैन ने छीन लिया क्योंकि मैं इंजर्ड था तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीना गया था। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने अथॉरिटी के साथ दोस्ती कर ली है और भाई अब फाइनली यार मैं रॉक के स्टाइल में बोल सकता हूँ फाइनली। तो भाई अब मिलेगा रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप का मैच। चलिए रेने यंग को इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि क्या चल रहा है। AJ स्टाइल्स के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, अब मुझे क्या लगेंगे भाई, सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे AJ स्टाइल्स से WWE चैंपियनशिप छीनने के लिए। रेने यंग कैसी हो आप? ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है भाई, दूसरे हाथ में भी टैटू आ चुका है, टी शर्ट वी शर्ट चेंज कर लिए मैंने, मैं तैयार हूँ भाई रेसलमेनिया में चैंपियन बनने के लिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और हाँ मेरे टीम मेंबर मेरे साथ है, जॉन सिना और केविन ओवेंस। तो चलो देखते हैं रेने यंग क्या बोल रही है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। और ये गेम है WWE 2K18 और ये उसका माई प्लेयर के करियर मोड का एपिसोड नंबर 14 है। चलो भाई मैंने बहुत डोमिनेंट फैक्शन बनाया WWE में, तो सबको बता देते हैं कि बहुत मस्त टीम बनाई, ये देखो आ गए AJ स्टाइल सर, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं डिजर्व नहीं करता स्पॉटलाइट में आना, ठीक है हाँ इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, आई शुड बी रेटेड हायर, हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ मैं ब्रॉक लेसनर को आराम से हरा सकता हूँ। और ये लीजिए एक घूसा खाइए मुंह में और अब लगता है मुझे बैक स्टेज में मार होने वाला है। हाँ AJ स्टाइल्स बैक स्टेज में मत लड़ा करो सर, मैंने आपको लाख बार समझाया कि बैक स्टेज मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ मुझसे कोई नहीं जीत सकता है, ठीक है मार लो मार लो। और इस बार मैं कोई हथियार यूज नहीं करूंगा AJ स्टाइल्स के ऊपर, बिना हथियार के AJ स्टाइल्स को हराऊंगा इसमें सर, आप गए हाँ हाँ हाँ। यही तो मैं खोजता हूँ यार, ऐसे ऐसे मूव मारो ताकि आपका रिवर्सल छिना जाए, जैसे AJ स्टाइल्स का रिवर्सल छिना गया, जाइए दीवार में। WWE चैंपियन मेरा टाइटल है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भाई अपन, ये मेरा टाइटल है। अब AJ स्टाइल्स बस गिनती के दिन बचे हैं आपके पास, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते तक बस आप टाइटल हो। इस एपिसोड में भाई रॉकी WWE चैंपियन बन के रहेगा, चाहे अब कुछ हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए मिस्टर मैकमैन को क्यों ना मारना पड़े, मैं WWE चैंपियन बन के रहूँगा। शेन मैकमैन और मिस्टर मैकमैन मेरे साथ हैं, हाँ सिर्फ डैनियल ब्रायन थोड़े से अगेंस्ट हो रखे हैं, पर कोई बात नहीं, अपने को उससे टेंशन नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ में टैटू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक हाथ से मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए मैं तैयार हूँ भाई, रेसलमेनिया गियर मैंने पहले ही बना लिया रेसलमेनिया आने से पहले ही, क्योंकि जब एक बार एपिसोड शुरू कर दिया तो अब मैं अपना लास्ट ये तभी होगा एपिसोड का भाई, ये एपिसोड तभी खत्म होगा जब तक मैं WWE चैंपियन नहीं बन जाता। और AJ स्टाइल्स को उसके लिए इंजर्ड भी करना पड़े तो इंजर्ड कर दूंगा, बेल्ट आप ड्रॉप कर देना। अच्छा मारो 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 मारो, बिना कोई हथियार यूज किए AJ स्टाइल्स की आज बैंड बजानी है, इनको रेसलमेनिया का प्रीव्यू दे देते हैं कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है इनके साथ। लो सर अच्छा खासा रैंडी ऑर्टन के पास चैंपियनशिप था, रॉयल रंबल में AJ स्टाइल्स ने छीन लिया उनसे, कोई बात नहीं अपने को क्या है भाई, अपने को तो किसी को भी हराना है फर्क नहीं पड़ता है, टाइटल चाहिए वो ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है छीन लेंगे AJ स्टाइल्स से। मत पंगे लीजिए सर, मत पंगे लीजिए, रॉकी पूरी तरह से अभी तैयार है। फिर से रिवर्स किया AJ ने, AJ सर अब आपका कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे, ये लीजिए, ओहो सिग्नेचर छीन लिया मेरा, सिग्नेचर छीन लिया भाई ने। अच्छा मैंने बैकस्टेज का सिग्नेचर फिनिशर चेंज नहीं किया है, वो आप लोग को मुझे लगता है कि अब मेरा नेक्स्ट मैच जब भी होगा तो आपको मेरा सिग्नेचर फिनिशर देखने मिलेगा, ऐसे बहुत कम ऑप्शन रहते हैं यार, मतलब बहुत कम मूव में से सिग्नेचर और फिनिशर चूज कर सकते हैं, तो जो भी था उसी में से मैंने कुछ 2 सेलेक्ट कर लिए, वो आपको देखने मिलेगा रेसलमेनिया में, या पता नहीं अगले हफ्ते अगर मैच हुआ तब भी देखने मिल सकता है। AJ स्टाइल्स की बैंड बजा दी आज भी ना किसी सामान के, बस बस AJ सर आपका ज़्यादा टाइम है नहीं, अरे सिग्नेचर दे दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सर पे मार रहे हैं भाई। रेसलमेनिया प्रीव्यू का वादा किया ना, वादा पूरा करूंगा,
यहां भी आप हारोगे और रेसलमेनिया में आप ही को हारना है सर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। सिग्नेचर आ गया ना फिर से, चलो ठीक है, आओ आओ सर, तैयार है इस बार रॉकी अपना बेल्ट क्लेम करने के लिए। पड़ा एक लाख, अभी दो तीन घुसा और मारूंगा, उसके बाद फिनिशर देके खत्म करूंगा यार इसको। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से जाना है रेसलमेनिया में, इससे पहले मुझे कोई इंजर्ड कर दे, धोखा दे दे। पता नहीं यार, मेरी टीम वाले लोग हमेशा ज्यादातर धोखा देते हैं, पर देखते हैं। जॉन सीना तो नहीं धोखा देंगे, केविन ओवेंस के ऊपर मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। केविन ओवेंस जिसके भी दोस्त रहते हैं उसको सबसे पहली फुर्सत में धोखा देते हैं, तो इसलिए केविन ओवेंस पे थोड़ा सा डाउट है, पर ठीक है देखते हैं। फिनिशर, अरे रे रे रे, फिनिशर नहीं दिया, मुझे लगा स्टाइल्स क्लैश दे रहे, पावर बम दे दिया, कोई बात नहीं, हाथ भी तोड़ रहे हैं। पिटोगे जी सर, बहुत पिटोगे आप। फिनिशर आ चुका है मेरे पास, पर अभी दे नहीं सकता, एक सिग्नेचर भी आ गया। जाओ सर, आने तो भाई, सिग्नेचर फिनिशर देता हूं इनको और खत्म करता हूं अब यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। ओ अभी भी नहीं हारे, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और सिग्नेचर है, जिसकी ज्यादा पहले हेल्थ खत्म हो गई वो हार जाएगा। एजे स्टाइल्स की हेल्थ तो खत्म है, पता नहीं हारे क्यों नहीं, पर कोई बात नहीं, अब हार जाएंगे, बस सिग्नेचर छीनना मत सर। तैयार हूं मैं सिग्नेचर देने के लिए। हाँ, एजे स्टाइल्स हार गए, रॉकी जीत गया। ये है रेसलमेनिया का प्रीव्यू, तैयार हो जाओ, रेसलमेनिया में यही होने वाला है सर आपके साथ। और भाई तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार लोग पूछते रहते भाई ये कौन सा गेम है, तो ये WWE 2K18 है, उसका ये माई प्लेयर का करियर मोड है, और ये उसका एपिसोड नंबर 14 हो गया यार, 14 एपिसोड्स में आ गया अपन। बहुत सारे एपिसोड्स मुझे लगते हैं एक एक घंटे से ज़्यादातर सब ऊपर ही हैं, ज़्यादातर एक दो को छोड़ के, तो यानी कि भाई 14-15 घंटे का एपिसोड है मतलब 2K18 का करियर मोड। और अब जाके मिला है चैंपियनशिप, ये देखो डैनियल ब्रायन, ये कुछ ना कुछ बुरी खबर, जब आते हैं बुरी खबर देते हैं। अरे इनको पसंद नहीं आया एजे स्टाइल्स को मारा, एजे स्टाइल्स ने बैकस्टेज में मुझे क्यों इंटरफेयर किया था, इसलिए मारा, अच्छा किया, ठीक है। मुझे डैनियल ब्रायन या अथॉरिटी अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोग साथ नहीं भी हो तब भी अगले हफ्ते मैं जीत रहा हूँ, एक दो हफ्ते बच गया ना, दो हफ्ते बाद मैं जीत रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इन लोगों ने साथ छोड़ दिया है, कोई ऐसे आपकी साथ की ज़रूरत भी नहीं थी सर, आप अच्छा साथ नहीं दे रहे थे ऐसे भी कुछ ज़्यादा, शेन मिकमैन और मिस्टर मिकमैन अच्छा साथ दे रहे थे, डैनियल ब्रायन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही अब मिस्टर मिकमैन की ज़रूरत है, जिसकी जिसकी ज़रूरत थी मैंने सब ले ली, और मेरा जो मंजिल है भाई वो सामने नज़र आ रही मुझे, बस दो हफ्ते। टॉड मुलिन बता भाई, प्रोड्यूसर आज के लिए क्या है अपना, किसकी आज धुलाई करनी है जल्दी बताओ। अच्छा माइक, कुछ बोलना है क्या जाके, चलो ठीक है, बताना होगा जाके सबको, WWE यूनिवर्स को बताना होगा कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। चलो ठीक है, बता देते हैं सबको, रेसलमेनिया से पहले प्रोमो कट करने का अलग मज़ा है। चलिए सबको बता देते हैं कि भाई जीतने वाले, बताना क्या है इसमें, ये नोन फैक्ट है कि मैं जीतने वाला हूँ, बहुत मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया, 14 एपिसोड से मेहनत कर रहे हैं, एक टाइटल जीता है सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और फेल गेम फैमिली भी कब से इंतजार कर रही है, मैं भी कब से इंतजार कर रहा हूँ भाई, रॉकी कब जीतेगा टाइटल, अब जीतने वाला है, अब बस आपके भी इंतजार की घड़ी बस कुछ देर में ख़त्म होगी और मेरी भी, क्योंकि WWE चैंपियनशिप मिलने में सिर्फ दो हफ्ते बच गए हैं। मार्च का वीक 4 खत्म होगा मुझे लगता है, उसके बाद ही रेसलमेनिया हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, देखते हैं, पर चलो ठीक है, दो हफ्ते बच गए, दो हफ्ते और झेलना है स्मैकडाउन लाइव, उसके बाद फिर रेसलमेनिया आ जाएगा, और एजे स्टाइल्स को तो हरा ही देंगे अगर कुछ इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो, पता नहीं कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आया तो। चलिए रॉकी आ चुका है ऑडियंस को डांटते हुए, अच्छा हील टर्न हो रखा है ना रॉकी, इसलिए डांट रहा ऑडियंस को, चल भाई पैर पटकते हुए रिंग के अंदर आजा भाई फटाफट। तो इस साल के रेसलमेनिया के लिए मेरा यही गियर रहेगा, मैं इसको अभी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इस एपिसोड में अभी एक एपिसोड में एक ही गियर में रहने देता हूं। क्या चल रहा है दिमाग में, दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं चल रहा, इजी स्टाइल्स अभी मत आना इंटरफेयर करने यार, अभी तो पिटे हो सर आप, अभी मत आना। द WWE चैंपियन, हाँ WWE चैंपियन की बत्ती लगने वाली है रेसलमेनिया में, और अगर उनके दिमाग में अभी भी समझदारी है तो टाइटल मुझे दे और छोड़ दे, मैच नहीं करे ज्यादा अच्छा, मेरे को कोई लेने देने नहीं है यार, टाइटल दे देंगे, पिटना नहीं है तो दे सकते हैं, पर लगता नहीं कि देंगे। चलो ठीक है, रेसलमेनिया आने में ज्यादा टाइम नहीं है और मेरे चैंपियन बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं है। बैकस्टेज में सब डर रहे हैं मुझसे,
मेरे कैरेक्टर से, क्योंकि सबको पता है कि भाई बहुत अच्छी टीम बनाई मैंने और मैं WWE चैंपियन भी जल्दी बनने वाला हूँ और मेरी टीम के मेंबर लोग भी चैंपियन बनेंगे। इस बार मोमेंटम थोड़ा कम रहा मेरा, पर चलो किसी से जीतना नहीं है, इसमें निकलते 120, 100 से ऊपर है, ठीक है चलो 100 से ऊपर है ना। चल रॉकी भाई तैयार हो जाए, ये सब प्रोमो वोमो सब हो गया, अब 2 हफ्ते बचे हैं, मैं तैयार हूँ यार। मेरे हाथ में कुलबुली मची रही कि कब मेरे पास टाइटल आएगा यार। रॉकी को अपन टाइटल लेके एंट्रेंस करते हुए देखेंगे, आहा सपना है। मतलब एक टाइटल लेके देखा था, पर वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप था यार। मेन गोल WWE सुपरस्टार का मेन गोल होता है मेन टाइटल, या तो WWE या फिर यूनिवर्सल। और रॉ में हमने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी जीता, समोजो का साथ भी दिया, समोजो के खिलाफ भी गए, वो यूनिवर्सल चैंपियन थे रॉ में, तो फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी आया, कैश इन करने का मौका नहीं मिला मुझे, और बहुत पता नहीं क्या क्या लफड़े हुए, तो इसलिए मैंने तंग आके स्मैकडाउन लाइव में मैं आ गया। और बेस्ट डिसीजन था स्मैकडाउन में आने का, क्योंकि आते के साथ बहुत ही जल्दी एक एपिसोड के बाद मैं टाइटल पिक्चर में आ गया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बॉस से दोस्ती की, मिस्टर मैकमैन से। ये देखो भाई कंपनी मैन लेवल 4 में मैं पहुंच चुका हूँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा था। टॉड मुलिन भाई तेरे को क्या चाहिए अब? अच्छा बहुत हासिस्ट वर्ड्स बोल के आ रहा हूँ, हाँ तो ठीक है, जरूरत हील कैरेक्टर हो तो मैं अच्छी बात थोड़ी बोलूँगा। चलो बहुत ही बुरा आ रहा है रेसलमेनिया में, अभी तो सबने देखा ही नहीं है, रेसलमेनिया में इससे खतरनाक दिखने वाला है जब ईजी स्टाइल्स को हरा कर WWE चैंपियनशिप लेके जाऊंगा। तो टॉड मुलिन, चलो ठीक है, टॉड मुलिन ने साथ दिया है, ये बेचारे ऐसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इनके ऊपर नहीं चलता, ये बस मैच बता सकते हैं, ये है वो है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ये प्रोड्यूसर है शो के, इनकी ज़्यादा चलती नहीं है, पर ये आदमी ठीक है। अरे ल्यूक हार्पर सर, यार ल्यूक हार्पर सर यू विल बी मिस्ड, रेस्ट इन पीस सर। देखो ल्यूक हार्पर क्या बोल रहे हैं, सर आपकी बहुत याद आएगी, रेस्ट इन पीस सर, एक बार हो जाए यार चैट में, रेस्ट इन पीस ल्यूक हार्पर, बहुत ही कम उम्र में यार चले गए इस दुनिया से। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, नियोमी खड़ी हुई है बैक स्टेज में, और कौन कौन है? अजय भाई गाड़ी लेके आया यार, निकलते हैं यहाँ से फटाफट, गाड़ी ला, सिर्फ 2 हफ्ते बच गए, 2 हफ्ते, तब से मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट करोगे मुझे पता है, सब कोई वेट कर रहा है कि कब मैं WWE चैंपियन को हरा कर WWE चैंपियन बन जाऊँ। और भाई अपने नाम के आगे लिखा हुआ देखो, WWE चैंपियन रॉकी, आहा सुन के अच्छा लग रहा है, कब से वेट कर रहे हैं यार, आज से वेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही से मैं पीछे पड़ा हूँ टाइटल के, मतलब स्टार्टिंग से मेरा मेन फोकस चैंपियन ही रहा है, मतलब मेरा इधर उधर फोकस नहीं गया। NXT में भाई थे अपन, तुरंत ही जीत लिया था NXT चैंपियनशिप, उसके बाद बेल्ट ड्रॉप करके Triple H ने मुझे भेज दिया रॉ में, और रॉ में तो भाई जो चटनी निकली है, बोल रहे हैं कि टाइटल मैच देंगे देंगे देंगे, नहीं दिया आखिरकार। ओहो Triple H क्या बोलना है सर आपको, मेरी तारीफ, मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, हाँ कर तो रहा हूँ, अच्छा कुछ बातें कुछ असरदार साबित नहीं हो रही, क्यों पर किसी को नहीं लग रहा है कि मैं हरा पाऊँगा AJ Styles को, ऐसा क्यों लग रहा है? चलो मैं तो हरा के भाई जीतूंगा, यही बोलना चाहता हूँ कि चैंप को हराऊंगा और जीत कराऊंगा WWE चैंपियनशिप। अच्छा AJ Styles चला रहे हैं स्मैकडाउन को, चलो ठीक है, आपकी गलतफहमी है सर, Triple H को समझ में शायद नहीं आ रहा है, अच्छा मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, पर मैं चैंप नहीं हूँ, ठीक है बस, कितने देर चैंप नहीं हो यार, कितने देर, बस 2 हफ्ते है और शायद अब 1 हफ्ते बच गए हैं, 1 हफ्ते से फॉर चैंपियन नहीं हूँ मैं। Triple H सूट बूट में बातें करनी बहुत आसान है, रिंग के अंदर आओ सर तब ना पता चलेगा। चलो ठीक है, Triple H ने एडवाइस दी है तो उस एडवाइस को फॉलो करते हैं, जाके रिंग में सबको बताते हैं हु इज द रियल बॉस। टॉड भाई बता क्या करना है आज, किसकी कुटाई करनी है? हाँ Triple H ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रखी है, बोल रहे कि किसी को यकीन नहीं कि मैं चैंपियन को हरा सकता हूँ, ठीक है मुझे बातें करनी है रॉकी को जाके रिंग के अंदर। चलो ठीक है, मैच नहीं होगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैच ज़रूरी नहीं था यहाँ पे, मैच का कोई ज़रूरत नहीं था, पर चलो ठीक है जो भी है, अभी यहाँ पे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मुझे नहीं लगता अब WrestleMania पहले ये लोग मुझे मैच देंगे, अब डायरेक्ट लगता है WrestleMania में AJ Styles की कुटाई होने वाली है, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर अगर मैच देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बैक स्टेज में एक परफॉर्म किया था तो ठीक है, चलो देखते हैं, बैक स्टेज में जाने से पहले ही अगर मैच मिल जाता, एक बार मुझे रिंग में लड़ना है यार, ताकि मेरा मतलब प्रैक्टिस बना रहे यार।
चल रहा हूँ कि भाई बता दे क्या चल रहा है दिल में। ट्रिपल एच को ऐसी गलत फहमी कि मैं चैंपियन नहीं बन सकता हूँ। हाँ, जब तक मेरे साथ कोई चीटिंग ना करे यार, अगर कोई इंटरफेयर नहीं करता है तो मुझे चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है हमें। और मेरे इस राइस से सबको जलन भी हो रही है वो, क्योंकि बहुत जल्दी ओ एजे स्टाइल्स आ गया यार। अब क्या चाहिए इनको, आ जाओ इनकी रिंग में, आज मैं कुटाई कर ही के भेजूंगा। आ जाओ सर, आ जाओ आप आ ही जाओ। मैं सोच ही रहा था कि रिंग में आज किसको पीटूं। एजे स्टाइल्स आ जाओ सर, तैयार हूं मैं आपके लिए। माथा क्यों पकड़ रहा है भाई, अभी पीटना है इनको। बहुत गलत पंगा लिया भाई। रॉकी का लुक कितना चेंज हुआ भाई, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 14 तक अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा लुक चेंज हुआ है। ओ अटैक कर दिया मेरे ऊपर, बातें बातें नहीं। ओहो भाई ठीक है चलो, दिस इज ऑन, यानी कि मैच नहीं है पर जिसकी पहले हेल्थ खत्म हो गई। एजे स्टाइल्स ये गलती कर दी ना, मैं तो ऐसे भी पीटने का मौका ढूंढ रहा था, ट्रिपल एच को गलत साबित करना है ना। चलो गलत साबित कर देते भाई इनको पीट पीट के। देखो भाई नीचे क्या रखा है, ट्रिपल एच ही का सामान निकाल के लाते हैं, हैमर। ट्रिपल एच को ओहो भाई मिल गया ना हैमर, बस इसी से गलत प्रूफ करना है ट्रिपल एच को, रॉकी चैंपियन बन सकता है। ये लीजिए एक और, ओहो बच गए, कोई बात नहीं, छीन लिया हैमर। यहां से आप अपनी बेइज्जती लेके जा रहे हो, याद रखना रिंग में आके अटैक नहीं करना चाहिए था, बातें कर लेते तो हो सकता बच भी जाता। ओ भाई पड़ा ना क्लोज लाइन, चलो हाँ मजा आ गया। रेफरी, अब रेफरी ने बचा लिया। अरे रेफरी हट जाना यार, रेफरी लड़ने ही नहीं दे रहा है। ये दोनों खत्म हो गया यार, अच्छा खासा अभी पीटना शुरू ही किया था पर चलो ठीक है। ट्रिपल एच को गलत प्रूफ कर दिया कि एजे स्टाइल्स यहाँ सब कुछ नहीं चला रहे हैं, यहाँ सब कुछ स्मैकडाउन में रॉकी चला रहा है भाई। देखा ना अभी चैम को पीटा है। चलिए बस अब रेसलमेनिया का इंतजार है, एक हफ्ता बच गया, मुझे लगता है एक हफ्ता और शायद बचा है, बस एक वीक और, उसके बाद चैंपियन फेस टू फेस आएंगे रिंग के अंदर। रेसलमेनिया भाई फर्स्ट रेसलमेनिया है, 14 एपिसोड्स में। आप लोग सोचोगे फर्स्ट रेसलमेनिया कैसे, तो लास्ट रेसलमेनिया में रॉ मैंने ज्वाइन किया ही था, शायद जनवरी या फेब में ज्वाइन किया था, तो इसलिए रेसलमेनिया में मेरा कोई मैच ही नहीं था यार। और एक साल के बाद डायरेक्ट WWE चैंपियन के साथ मैच हो रहा है, तो बहुत सारे सुपरस्टार नाराज भी हैं कि इतना जल्दी इसको क्यों पुश मिला है रॉकी को। तो चलिए कोई बात नहीं। ओ भाई पार्टनर केविन ओवेंस धोखा मत देना, रेसलमेनिया आ रहा है अभी धोखा नहीं देना ठीक है सबको। नहीं नहीं कुछ गलत बातें नहीं बोलूँगा, चलो ठीक है बोल देता हूँ कि भाई हम, मुझे ऐसा लगा कि एक ही टीम मेंबर है तो आना चाहिए था एजे स्टाइल से अभी जब मैं फाइट कर रहा था। चलो ठीक है मेरे साथ हैं, बोल तो रहे हैं मेरे साथ हैं, रेसलमेनिया में कुछ भी गड़बड़ होगी तो संभाल लेंगे। चलो बोला तो है केविन ओवेंस ने, जॉन सीना कहाँ है यार, मेन जिस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है जॉन सीना को ज्वाइन करवाने के लिए कम पापड़ बेले यार। लास्ट एपिसोड में आपको पता चला होगा कि जॉन सीना को कैसे ज्वाइन करवाया था, तो जॉन सीना को तो ज्वाइन करवा लिया अपने साथ, पर जॉन सीना है कहाँ। आ जा भाई गाड़ी लेके आया यार, बस एक हफ्ता और बच गया या शायद कंप्लीट हो गया, मुझे पता नहीं, देखते हैं अभी पता चल जाएगा कि एक हफ्ता और बचा है या नहीं, देख लेते हैं भाई। अब तो बस नज़दीक पहुंच ही गए, इतना करीब WWE चैंपियनशिप के मैं अभी तक नहीं था, ना ही यूनिवर्सल टाइटल के। मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट आया था तो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, पर मेरे पार्टनर ने मुझे इंजर्ड करके दो तीन हफ्ते के लिए गायब कर दिया, जबकि दो तीन हफ्ते गायब होने से मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना मुझे समझ में नहीं आया। ये अपने अपने रूल्स बनाते रहते हैं WWE, खासकर मिस्टर मैकमैन। पर चलो ठीक है, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम था, मुझे चैंपियन बनाना, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर चैंपियनशिप पिक्चर में घुसा दिया, तो ठीक है चलो छीन लिया। ओहो जॉन सीना सर, आप ही का तो इंतजार था सर, कहाँ घूम रहे थे आप, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ रेसलमेनिया के लिए। चलो बोल देता हूँ मैं जा रहा हूँ चैंपियन बनने पार्टनर, और अपनी टीम के लिए जीतने जा रहा हूँ। अभी अपनी टीम को भाई मेंटेन करके रखना है, सबसे अच्छी अच्छी बातें करनी है। चलो सच में ये करने जा रहे हैं ना, आज चैंपियन बन के निकलेंगे। हाँ भाई चैंपियन बन के निकलेंगे। सीना सर मैं जा रहा हूँ, थैंक यू आपके बेस्ट विशेस के लिए, और कुछ भी गड़बड़ होगी तो सीना और केविन ओवेंस हैं बैकअप के लिए, पर आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कोई चीटिंग करने नहीं आए। चलो भाई तैयार रहो, रेसलमेनिया आ चुका है, एक हफ्ता भी नहीं बचा है रेसलमेनिया, मुझे लगता है आ गया है रेसलमेनिया, बस बोल दो यार कि रेसलमेनिया मैच है। हाँ रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया भाई लोग फाइनली रेसलमेनिया पहुँच चुके हैं। और भाई तेरे को क्या बोलना है भाई,
बहुत अच्छी राइड रही, बहुत मतलब हालत खराब करने वाली भी, पर ठीक है, अच्छा अच्छा सफर था, रेसलमेनिया तक पहुंच गया। पर अभी तो सफर की यहाँ से शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब मैं चैंपियन बनने जा रहा हूँ। अब यहाँ से तो भाई पूरे कंपनी को कैरी करना है, पूरे स्मैकडाउन लाइफ का फेस बनना है मुझे। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ भाई, बातें कम कर और अब मुझे जाने दे। आज मैं आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आज मुझे WWE चैंपियन को फेस करके वो टाइटल छीनना है। ये मेरा रेसलमेनिया मोमेंट है, मुझे पता है, मुझे पता है, पहले जीत तो जाऊँ। चलो विन द WWE चैंपियनशिप, और डिस्क्वालिफिकेशन से या कॉन्ट्रॉट से नहीं जीत सकता, ये रूल्स हैं। ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं भाई, फाइनली रेसलमेनिया आ गया, मेरा मेन इवेंट है रेसलमेनिया में। ओ भाई साहब, खतरनाक खतरनाक अच्छा लग रहा है देख के, ये चमकर रेसलमेनिया, बम बम अच्छे से फूटना, ओके अच्छा था अच्छा था, अच्छा लग रहा है मुझे इसका, बहुत सही, बम बम फूट रहे हैं, मज़ा आ गया मज़ा आ गया, खतरनाक। बस यही तो मोमेंट है मेरा, अब यही चमकने का टाइम आ चुका है, अब अपनी गद्दी पे बैठने का टाइम आ गया भाई, जो इतनी मेहनत की है, सारे मेहनत का भाई फल आज मिलेगा जब मैं WWE चैंपियनशिप लेके यहाँ से निकलूंगा। बस कोई एक डर मुझे ये भी है कि जब भी मैं टाइटल के करीब थोड़े से भी करीब पहुँचने लगता हूँ, कुछ ना कुछ गेम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डर है कहीं ना कहीं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो यार, प्लीज इस बार नहीं है, इस बार नहीं, बहुत झेल लिया है। रॉकी वर्सेस AJ स्टाइल्स, चलो ठीक है, AJ स्टाइल्स आखिरी बार चैंपियनशिप चमका लीजिए, बस कोई इंटरफेयर ना करे, मिस्टर मैकमैन आगे कुछ तीन पांच ना करे और मेरी टीम धोखा ना दे। जॉन सीना तो उम्मीद कम है, पर केविन ओवेंस पे मुझे भरोसा नहीं है, केविन ओवेंस पे भाई आप लोग ने भी कॉमेंट करके बोला था कि केविन ओवेंस पे भरोसा मत करना, और अगर चैंपियन बन के आज निकल गया तो केविन ओवेंस को अपनी टीम से जल्दी ही निकाल दूंगा, क्योंकि उन पर मुझे ट्रस्ट नहीं है पूरी तरह से। अनाउंस करो, हाँ WWE चैंपियनशिप का मैच है, चलिए ठीक है, इसी का तो वेट कर रहे थे यार। AJ स्टाइल्स आ जाओ, पहले कौन आ रहा, अच्छा लगता है पहले मैं आ रहा हूँ। चलो भाई आखिरी बार बिना टाइटल के, इसके बाद से तो टाइटल अपने पास रहेगा, जब तक मैं रिलिंक्विश नहीं कर दूं टाइटल तब तक मैं रखूंगा, जब तक मैं रॉ में जाके, मैं सोच रहा हूँ रॉ में जाके डबल चैंपियन बन जाओ। चलो वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं अभी, पता चले एक चैंपियनशिप भी नहीं मिला। ठीक है, रॉकी तैयार है। चलो भाई पूरे एपिसोड में मैंने पहली बार इसकी टी शर्ट पर रॉकी लिखा है, जबकि सारे सुपरस्टार की टी शर्ट पर लिखा रहता है ज़्यादातर उनका नाम या कुछ कैच फ्रेज इस टाइप का कुछ, पर चलो रॉकी की टी शर्ट पर रॉकी लिख दिया है। आ जाइए जी स्टाइल्स, पूरी दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी कर दी भाई, मतलब लगना चाहिए कि बहुत इंटेंस हो रहा है लड़का, पूरी तरह से तैयार है, गुस्से में भी है। AJ स्टाइल्स आखिरी बार चैंपियनशिप दिखा दो सर अपने पास, बाकी तो फिर मेरे पास नजर आएगी ही सबको। ओ AJ स्टाइल्स का बम बम सब फूट रहा है, चैंपियन का यार स्पेशल प्रिफरेंस है, दिखा दिया ना टाइटल, हो गया बस 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 सर, आपका टाइम खत्म है, जैसे जॉन सीना बोलते हैं ना, योर टाइम इज अप My time is now. तो रॉकी का टाइम बस आ चुका है, आखिरी बार चल लो भाई चैंपियनशिप के साथ, चल भाई शुरू किया जाए, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, इतना लंबा एंट्रेंस नहीं देखना मुझे, दिखाओ भाई। ओहो, कब से इसका वेट कर रहे थे यार, इस सिंबल का 14 एपिसोड लग गए यार यहाँ तक आते आते, बहुत लंबा सफर था, पर अभी बोलूंगा नहीं कि अभी सफर खत्म हुआ, अभी तो शुरुआत है, ये नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। सुपरस्टार ओके दिखा दिया, रॉकी तैयार है, एक नंबर। AJ स्टाइल्स दिखा दो सर आप भी आखिरी बार आखिरी बार, इसके बाद तो मैं छीन ही लूंगा टाइटल, ये मेरा टाइम है अब, ये मेरा रेसलमेनिया मोमेंट है। इसके बाद से अगले मैच में मैं दिखाऊंगा भाई, जब भी टाइटल मैच होगा, दिखा दिया ना, रेफरी ले लो भाई बेल्ट, तैयार हो भाई, मेरी उंगलियां एकदम तैयार पूरी तरह से इस मोमेंट के लिए भाई, कब से वेट किया था। हाँ हाँ दिखा दे टाइटल दिखा दे, ठीक है अच्छा है, कुछ देर बाद मेरे पास रहेगा। घंटी बजाओ यार मैं तैयार हूँ, दिल में धक धक भी हो रही, पता नहीं कोई चीटिंग चीटिंग ना करे बस। चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, AJ स्टाइल्स भी रेडी लग रहे हैं, आ जाओ सर कर लिया जाए, ये है अब मेरा रेसलमेनिया मोमेंट। चलो स्टार्ट पहला वार मैंने किया, ये अच्छी बात है। AJ स्टाइल्स आपका कोई चांस नहीं है, मैं सारी मेहनत लगा दूंगा अपने 2K गेम्स की सारी मेहनत लगा दूंगा, पर ये मैच नहीं हारूंगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिला, इससे पहले कोई इंटरफेयर करे या कुछ तीन पांच करे मैं ये मैच
जीत के खत्म करता हूँ भाई। एजे स्टाइल्स वेट कर रहा हूँ। अरे यार गलत टाइम पे स्टाइल मार दिया यार। एजे स्टाइल का नाम स्टाइल है, मैंने क्यों स्टाइल मार दिया। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, पर इसमें आज गलतियाँ कम करनी है। मेरे प्लेयर का भी आपको याद है ना, मोमेंटम बहुत कम है। मोमेंटम यानी कि ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेयर का ओवरऑल बहुत कम है, यानी मुझे लगता है 60s या 70s में होगा शायद, 70s हाँ शायद कम ही है बहुत, पर बाकी सब सुपरस्टार के हिसाब से बहुत कम है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जब मैं मारूंगा तो उससे कम हेल्थ जाएगी एजे स्टाइल्स की, पर जब एजे स्टाइल्स मारेंगे तो उनके पास मेरी हेल्थ ज़्यादा जाएगी और उनके पास जल्दी फिनिशर आएगा, सिग्नेचर आएगा, और मेरे पास लेट से आएगा। कोई बात नहीं, पर अभी आगे जा जा के रॉकी का भी ओवरऑल बढ़ा देंगे। काउंट आउट नहीं होना है एजे, काउंट आउट नहीं होना है। चलो अंदर चलो यार, इस मैच में मैं नीचे लड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। काउंट आउट से चैंपियनशिप नहीं मिलेगी, लिखा हुआ था ना वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव था कि काउंट आउट और डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं जीत सकता हूँ मैं यार, अगर जीतूंगा तो पता नहीं क्या होगा, चैंपियनशिप तो नहीं मिलेगा, इतना तो कन्फर्म है। ये गलती नहीं करनी अपने को। एजे स्टाइल्स भी बराबरी का मुकाबला दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि WWE चैंपियनशिप आराम से जीत के जाने दे रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितना मुकाबले दें क्या दें, टाइटल अपने को चाहिए बस। फिर रिवर्स कर दिया एजे ने यार, आज सोच के आए एजे स्टाइल्स कि मुझे जीतने देंगे, पर कोई बात नहीं एजे, बोल दिया ना मेरा दिन है आज। फिर से रिवर्स, सेम मूव को दो बार रिवर्स किया, रिंग से नीचे फेंक दिया। दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट बराबर चल रही है, एजे स्टाइल्स की थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं रिंग के नीचे यार वेट नहीं करूँगा, ना ही एजे स्टाइल्स को डिस्क्वालीफाई करवाऊँगा, ना ही खुद डिस्क्वालीफाई होऊंगा। काउंट आउट से भी नहीं जीत सकता, इससे बेटर है ना अंदर भागो यार, अंदर भागो, अंदर भागो एजे स्टाइल्स, अंदर आ जाओ सर, जो होगा अब अंदर होगा। रिवर्स मत करना वरना बत्ती लग जाएगी। चलो ठीक है, अभी अच्छा जा रहा है, धीरे धीरे करके मारेंगे भाई, ज़्यादा आग बकाएंगे नहीं इसमें। देख रहे हो ना एजे स्टाइल्स आज पूरा रिवर्स करने के मूड में, हर मूव मेरा रिवर्स करेंगे। अपना चैंपियनशिप बचाने के लिए आपको जो करना है कर लो, रेसलमेनिया में तो हार के रॉकी नहीं जाएगा। इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि रेसलमेनिया में हार जाऊं, ना ना, जितना मारना है मार लो, रेसलमेनिया में नहीं हार रहा हूं मैं। पिनफॉल नहीं होने दूंगा भाई मैं, टेंशन मत लो आप लोग, फेल गेम फैमिली के लिए जीतना है ये मैच। एजे स्टाइल्स बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, उम्मीद नहीं थी, जिस हिसाब से पिट रहे थे मुझसे बैकस्टेज में, रेसलमेनिया के लिए अच्छी तैयारी की है, पर सिग्नेचर छीन लिया भाई का मैंने। आ जाओ सर, वही सिग्नेचर फिनिशर आपको देखने मिलेगा, ये है बिग बूट सिग्नेचर में, यानी कि दौड़ के मुंह पे एक बूट मारता है रॉकी, और अब फिनिशर अभी नहीं देंगे, फिनिशर बचा के रखते हैं, क्योंकि अभी फिनिशर देना वेस्ट हो जाएगा। अभी भी दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट बराबर चल रही है। ठीक है, एजे स्टाइल्स ने अच्छी टक्कर दी, पर ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, मेरे पास फिनिशर आ चुका है, एक और फिनिशर जहाँ आया भाई टाइटल अपने को मिला। ठीक है एजे स्टाइल्स ने रिंग, ये जानबूझ के चार है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काउंट आउट हो जाऊँ या दोनों काउंट आउट हो जाए, एजे स्टाइल्स बस यही चाह ही रहे हैं, पर ऐसा मैं आपका प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा सर, गलत प्लानिंग करके आए हो आप, चांस ही नहीं है कि आपको जीतने दे दूँ। चलो अभी तक तो ठीक जा रहा है भाई लोग, उम्मीद यही है कि यहाँ से वॉकआउट करेंगे WWE चैंपियन बन के, जब फाइनल बेल बजेगी तो नाम अनाउंस रॉकी का होना चाहिए और टाइटल मेरे हाथ में ऑब्वियसली। एजे स्टाइल्स की हेल्थ कम होते हुए, घुटना मुंह में खाइए सर, डिजर्व करते हो, WWE चैंपियनशिप नहीं छीनना चाहिए था रैंडी ऑर्टन से, रैंडी ऑर्टन के पास रहता अच्छा खासा, मैं रैंडी ऑर्टन को मारता, पर अब पंगे आपको लेने थे, ये लो भाई सर से भी खून निकल गया है। चलो एजे स्टाइल्स फिनिशर अभी दे सकते हैं, पर और भाई मुझे बहुत सारे सिग्नेचर और फिनिशर के आप लोग कमेंट करते हो, भाई ये सिग्नेचर रखो वो फिनिशर रखो, तो दिक्कत ये है ना मेरे भाई लोग, ज़्यादा सिग्नेचर और फिनिशर का ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब माई प्लेयर को अपन ज़्यादा सिग्नेचर फिनिशर नहीं दे सकते हैं। 2K18 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत कम ही मूव दिए हैं जिनको सिग्नेचर और फिनिशर रख सकता हूँ, तो इसलिए जो उसमें से अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है 10 या 20 दिया होगा, 2 ये तो सिग्नेचर ही से हार गए यार। चलो मैं जीत गया, मुझे यकीन नहीं था इतनी आसानी से हार जाएंगे, फिनिशर देने का नौबत ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अगले मैच में फिनिशर देख लेंगे अपन। फाइनली मेरे पास टाइटल आ चुका है, पिनफॉल कराया, मुझे लगा किकआउट कर देंगे एजे स्टाइल्स, लो भाई टाइटल दो यार प्लीज़।
टाइटल दो यार, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, कोई कुछ बोलने नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं मुझे टाइटल नहीं छीन, नहीं कोई नहीं छीन रहे, दिखा दे भाई। बस इसी का इंतजार था यार, इसी का इंतजार था 14 एपिसोड से, कब रॉकी के हाथ में WWE चैंपियनशिप रहे, फाइनली आ चुकी है यार, बस इसी मोमेंट का इंतजार था। चलो फाइनली WWE चैंपियनशिप आ गई अपने पास, अब देखते हैं बैक स्टेज में कौन क्या बोलता है। टॉड मुलिन कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे मुझे, देखते हैं अब क्या बोलेंगे यार टॉड मुलिन। चलो भाई यार फाइनली जीत गया, यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा था कि फिर पता नहीं आज कोई कुछ गड़बड़ करेंगे, पर खैर के किसी ने कुछ भी 3-5 नहीं किया मेरे साथ, और WWE चैंपियनशिप आ चुका है तो ये अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ से अब आगे क्या होने वाला है, कुछ देर में पता चल जाएगा। WWE टाइटल तो जीत लिया है, पर अब आगे क्या होगा। देखिए भाई बैक स्टेज में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लोग माई ओ मिस्टर मिकमैन, ओ भाई रियल लाइफ में भी मिस्टर मिकमैन कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं जो भी चैंपियन बनता है, उससे गले मिलते हैं आके, और यहाँ भी मिस्टर मिकमैन खड़े हैं। ओह थैंक यू सर, अच्छा पहली बार पहले आदमी यही बनना चाहते थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, थैंक यू मिस्टर मिकमैन, प्राउड है मिस्टर मिकमैन, गले भी लग जाते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि रियल मैं बता रहा हूँ आपको, WWE में भी जब भी कोई WWE चैंपियन या फिर यूनिवर्सल चैंपियन बनता है तो मिस्टर मिकमैन से आके गले मिलता है सबसे पहले, बहुत सारी वीडियोस भी है YouTube पे इसको लेकर। थैंक यू मिस्टर मिकमैन, प्राउड फील कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, ओह थैंक यू। चलो ठीक है, अब यहाँ से अच्छा टाइम शुरू होता है मेरा, मेरा टाइटल कहाँ है यार, अच्छा बैक स्टेज में टाइटल लेके नहीं घूमते हैं ये लोग। थैंक यू मिस्टर मिकमैन, ओहो मिस्टर मिकमैन ने पहली बार कुछ अच्छी बात की, अच्छी लगी मुझे मिस्टर मिकमैन, यार फटाफट मुझे टाइटल मैच दे दिया और टाइटल जितवा भी दिया, तो ये चीज़ अच्छी लगी भाई। रॉकी के पास फाइनली टाइटल आ चुका है, मैं देख रहा था कि चैंपियनशिप यार बैक स्टेज में भी लेके घूमने का ऑप्शन देना चाहिए था यार, मतलब बैक स्टेज में टाइटल लेके आते तो एक अलग ही स्वैग रहता, सबको दिखा दिखा के मैं जलाता जो बैक स्टेज में घूम रहे रहते ना लोग, उनको दिखाता बोलता देख भाई मैं चैंपियन हूँ, हाँ गाड़ी लेता भाई, चैंपियन बन गया है तेरा भाई, गाड़ी लेके आया यार जल्दी से। चलो भाई अब अगला हफ्ता शुरू होने वाला है, फाइनली रॉकी बन चुका है WWE चैंपियन, जो कि हम लोग कब से वेट कर रहे थे। ऐसे मुझे लगा था कि पहले मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा क्योंकि मैं रॉ में गया था, पर किस्मत यहाँ लेते आई है तो चैंपियन बनने से मतलब था, तो WWE चैंपियन तो बन गए, पर अब आगे क्या, अभी भाई अपनी टीम को देखना है, फिर रॉ को भी जाके कॉन्कर करना है, अभी तो स्मैकडाउन में आए हैं और मैं टैग टीम चैंपियन नहीं बनाऊँ, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन नहीं बनाऊँ और यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनाऊँ, तभी तो ये शुरुआत है, ये मत सोचना कि ये अभी खत्म हो गया, ना 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 अभी तो ये शुरुआत है भाई, ड्राफ्ट हो रहा है, ओ भाई सुपरस्टार शेकअप भी हो रहा है। रॉ में AOP ये लोग गए, केविन ओवेंस क्या बोलना चाहोगे, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो भाई, हियर कम्स द चैम्प, हाँ हाँ चैम्प तो आ गया, चैम्प दैट रन्स द कैंप, हो ये AJ स्टाइल्स का मैंने कैच फ्रेज चुरा लिया, ऐसे भी AJ स्टाइल्स तो अब रहे नहीं चैंपियन, तो चलो ठीक है अब मिलके राज करेंगे केविन ओवेंस मैं और जॉन सीना। अब भाई तुम लोग दोनों भी टैग टीम चैंपियन बन जाओ तो मज़ा ही आ जाए, तीनों के पास चैंपियनशिप रहे आ जाए मज़ा यार, खतरनाक लगेगा तीनों के पास चैंपियनशिप रहे तो। केविन ओवेंस अब यहाँ पे सबको बता देना है कि अब मेरे हिसाब से चलेगा सब कुछ, तो भाई आज के एपिसोड यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। WWE चैंपियन बनने की इतनी खुशी है कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा अगले एपिसोड में, और अब यहाँ से नए रेसलमेनिया का सफ़र शुरू होता है। डैनियल ब्रायन खड़े हुए, इनसे तो बात करना ही नहीं है, डैनियल ब्रायन ने क्योंकि मुझे बोल दिया था कि मैं अब खुद का मतलब जो करूँगा खुद से करूँगा, तो चलो भाई आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे, अब यहाँ से स्मैकडाउन लाइव को पूरा डोमिनेट करते हुए मंडे नाइट रॉ में जाना है, उसके बाद फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीतनी है। ओ भाई यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे पास WWE चैंपियनशिप है, मेरी टी शर्ट की सेल भी इंक्रीज हो रही है, चलो ठीक है मेरे पास स्मैकडाउन की सबसे बड़ी टाइटल है। चलो भाई तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखो, सेफ रहो, बाय बाय।